गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 9 क्लास 5 पंडोरस बॉक्स। आज हम पढ़ेंगे पंडोरस बॉक्स के बारे में, ये क्या है, कैसी बॉक्स है ना। तो पढ़ते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ लॉन्ग टाइम एगो। ये स्टोरी क्या है, बहुत समय पहले की बात है। द वर्ल्ड वॉज न्यू एट दैट टाइम, गॉड्स एंड मैन लिव्ड टुगेदर ऑन द अर्थ, देयर वॉज नो पेन एंड नो सोरो, एवरी वन लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। उस समय जो था, नया नया वर्ल्ड बना हुआ था, यानी कि दुनिया का जो निर्माण हुआ था, शुरू शुरू में हुआ था, उस समय के लोग एक साथ रहते थे, मतलब भगवान और इंसान दोनों ही एक साथ रहते थे, और मतलब उस समय कोई भी दर्द, कोई दुख दर्द इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, सिर्फ सिर्फ अब खुशियाँ ही खुशियाँ हुआ करती थी जब नया नया ये संसार बना था। तो ये वहीं से स्टोरी है, देखते हैं कि इस स्टोरी में कैसे कब मोड़ आता है ना। तो इन दोज डे देयर वॉज वन नेम एमेथियस इन ग्रीस। यहाँ पे उस समय एक एमेथियस नाम का एक इंसान हुआ करता था। ही लिव्ड हैप्पली विद हीज ब्यूटीफुल वाइफ पंडोरा। तो इसकी वाइफ का नाम क्या था, पंडोरा। अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ बहुत खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा था। वन डे दे सो गॉड हर्मस कमिंग टूवर्ड देम। ही वॉज कैरिंग अ लार्ज ऑर्नेट वुडन बॉक्स, इट सीम वेरी हैवी। तो एक दिन भगवान आते हैं, हर्मस नाम के भगवान आते हैं वो उनके घर के पास, और वो क्या लेके आते हैं, एक बॉक्स लेके आते हैं वुडन बॉक्स, और ऊपर से वो एक ऑर्नामेंट टाइप का अच्छे सुंदर से वो सजा हुआ दिखता है, और बहुत ही हैवी बॉक्स दिखने में लग रहा था। What's in that box of yours? Ask Pandora। जब वो आए तो वो पंडोरा कहती हैं कि इस बॉक्स में क्या है, आपके इस बॉक्स में क्या है। आई कैन नॉट टेल यू, रिप्लाई हर्मस। तो वो भगवान जो हर्मस होते हैं वो कहते हैं कि कोई रिप्लाई कहते हैं मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। बट मे आई लीव इट हेयर फॉर अ फ्यू डेज, आई एम गोइंग ऑन अ जर्नी। तो कहते हैं कि लेकिन मैं इसको कुछ दिन के लिए आपके घर यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा, और कहाँ जा रहा हूँ मैं, एक जर्नी पे जा रहा हूँ, यात्रा पे जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स सैड एम थेंस यस। तो उस जो उसके हस्बैंड होते हैं थेसियस एपीथियस, इट विल बी सेफ इन आवर हाउस। वो कहते हैं कि ये हमारे घर में सेफ रहेगा, यहाँ रख दीजिए, ठीक है। हम थैंक द कपल एंड पुट द बॉक्स इन अ कॉर्नर। और वो उन कपल्स को, उन जोड़ी को थैंक्स करते हैं, कौन, भगवान हर्म्स, और उन दोनों को कहते हैं, बोलने के बाद वहाँ से वो कॉर्नर में बॉक्स रख के चले जाते। बट ही वॉन्ट देम नॉट टू ओपन इट, ही सैड वाट एवर हैपन्स टू डू नॉट ओपन द बॉक्स। और जब वो वार्निंग जाने से पहले वार्निंग देते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए इस बॉक्स को आप लोग नहीं खोलोगे, ऐसा वो बता के जाते हैं। वी वन नॉट प्रोमिस बोथ एपीमेथियस एंड पंडोरा हम्स लेफ्ट द बॉक्स देयर एंड सेट ऑफ ऑन हिज जर्नी। अब वो वहाँ पे उन दोनों ने प्रॉमिस किया कि हाँ बिल्कुल जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, और वो अपने जर्नी पे चले जाते हैं उस बॉक्स को वहाँ से छोड़ के। फिर क्या था, नाउ पंडोरस लॉन्ग टू नो व्हाट वाज इन द बॉक्स। डे आफ्टर डे सी लुक्ड एट द बॉक्स विद क्यूरियस आई, सी ट्राई टू गेस विद माइट बी इनसाइड द बॉक्स। कुड देयर बी ग्लेमिंग गोल्ड कॉइन्स और स्पार्कलिंग ज्वेलरीज, कुड देयर बी बॉटल्स ऑफ स्वीट स्मेलिंग परफ्यूम और फाइन सिल्कन क्लोथ। पंडोरस क्यूरियोसिटी केप्ट ग्रोइंग एवरी मिनट। अब यहाँ पे पंडोरा जो थी उसको देखती थी बॉक्स को, और उस बॉक्स को देखने से उसको बार बार दिन हर रोज़ देखती है ना, दिन डे आफ्टर डे वो देखती रहती है, और उसको देख के उसकी आंखें जो थी चमकती रहती, इसलिए उसके अंदर एक्साइटमेंट आ जाता था, उत्साह आ जाता, इच्छा जागृत हो जाता था कि क्या है इसमें, सोचती रहती थी। सोचती कि एक दिन मैं इसको क्यों ना मैं ट्राई करूँ, अपने आप ट्राई करके मतलब गेस करती रहती थी कि इसके अंदर क्या हो सकता है ना, गेस करती थी कि बॉक्स के अंदर हो सकता है कि गोल्ड के कॉइन्स हो, या स्पार्कलिंग यानी कि सुंदर सुंदर ज्वेलरीज हो, या इसके अंदर बॉटल ऑफ स्वीट स्मेलिंग हो, या परफ्यूम हो यानी कि परफ्यूम की बॉटल्स रखी होगी, हो सकता है या अच्छे अच्छे कपड़े होंगे सिल्क वाले इस तरह से। तो इस तरह की वो गेस करती थी हर रोज़, उसका जो ये क्यूरियोसिटी थी ये बढ़ती जा रही थी, यानी कि जानने की इच्छा जो थी वो रोज़ के रोज़ बढ़ती जा रही थी। और जो फाइनली सी कुड बियर द सस्पेंस नो लॉन्गर, व्हाट हार्म इज देयर आई इफ आई टेक जस्ट वन लिटल पीप, सी सैड टू
herself then she untied the gold cone around the box and began to lift the lid slowly. अब उसने फाइनली जाके जब ये एक्साइटमेंट उसका जो इच्छा थी जानने की बहुत ज़्यादा हो गई तो उसने सोचा अगर मैं एक बार देख भी लूँगी थोड़ा सा झांक लूँगी तो क्या हो जाएगा है ना, ऐसा उस सस्पेंस को देखने के लिए उसमें क्या है रहस्यमय चीज़ें ये जानने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार देख लूँ, अगर देख लूँगी तो कुछ भी नहीं होने वाला थोड़े से में है ना, और उसने अपने आप से ये चीज़ें कहती। एक दिन फिर क्या हुआ, उसने ये यही किया जो उसके मन में था, उसने उसके जो धागे बंधे हुए थे उस बॉक्स में, आप इसमें भी देखेंगे कि इसमें ये धागे जो इधर साइड में ये बंधा हुआ एक रस्सी से, तो इसकी जो गांठ होती है उसको खोल देती है और धीरे धीरे वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। डोंट डू दैट शाउटेड एपिमेथियस, जो एपिमेथियस उसका हस्बैंड होता है उसने चिल्लाया बोला मत करो ऐसा, हु हैड जस्ट कम इनटू द रूम, वो उसी टाइम जैसे खोला उसने धागे मतलब खुल रहे थे उसी समय वो आ जाता है और उस समय उसने टोंक दिया कि ऐसा मत करो ये मत करो। बट इट वॉज़ टू लेट, द लीड वॉज ऑलरेडी ओपन, लेकिन ये अब बहुत टाइम हो गया था, जो लीड था उसकी जो ढक्कन थी पहले से खुल चुकी थी। पंडोरा गैप इन सरप्राइज, देयर वॉज नो गोल्ड और ज्वेलरी और परफ्यूम और सिल्क इन साइड द बॉक्स, उसको बहुत हैरानी हुई ये देख के कि उसके अंदर कोई ज्वेलरी नहीं, कोई परफ्यूम की बॉटल नहीं, कोई अच्छे अच्छे कपड़े नहीं, ये सब देख के देयर वॉज जस्ट अ स्वर्म ऑफ लिटल विंग्स मॉन्स्टर, उसने सिर्फ देखा कि वहाँ पे एक बहुत सारे झुंडे छोटे छोटे कीड़े जो उड़ते हैं उसका झुंड, जो राक्षसी टाइप के होते हैं जिनके पंख लगे होते हैं और राक्षसी टाइप के, एंड बिफोर सी कुड हसट द लीड आउट दे फ्लो इन अ मोमेंट, दे स्प्रेड देयर विंग्स एंड ब्रूज अराउंड हर लाइक फ्लाइज, दे स्टिंग हर आर्म्स एंड फेस, दे स्टिंग एपिमेथियस टू। अब जैस उसने मतलब कि जैसे बंद तो किया लेकिन बंद करने से पहले बहुत सारे उसमें से जो कीड़े थे विंग्स वाले ने पंख वाले कीड़े थे बाहर आ गए थे और वो क्या किए पूरे फैल गए पूरे उसके कान के आसपास उसके हर तरफ मतलब भुनभुनाने लगे हैं, उड़ने लगे भुनभुनाने लगे और ये बहुत सारे मतलब डंग मारे उसके हाथ पे फेस पे पंडोरा के और उसके हस्बैंड के भी, इसी तरह से उसने उस मक्खियों ने जो मॉन्स्टर रूप आए थे अंदर थे वो बाहर आ गए थे वो उसको और दोनों को ही डंक मारे यानी काटे। अमंग दोज मॉन्स्टर देयर वर ऑल द अनप्लीजेंट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो मतलब कि लगभग ये सब चीज़ें किस चीज़ की थी, सारी अनप्लीजेंट के लिए मतलब सारी ना खुश करने वाली चीज़ों के ये कीड़े थे, डिजीज पेन सोरो सफरिंग एंड मतलब ये सारी बीमारियाँ अब वहाँ से बाहर आ गई थी कि जो भी पेन है दर्द है दुख है एंगर गुस्सा सफरिंग ट्रेवलिंग ये सब चीज़ें रिवेंज बदले की भावना किसके लिए दूसरों के लिए मतलब सब लोगों सिर्फ उन लोगों के नहीं पूरे जितने लोग थे उन लोगों के लिए भी ये दिन अब इस दिन से स्टार्ट हो गया, यानी कि दुख दर्द के इस दिन कभी स्टार्ट हुए जब ये मक्खियाँ उस बॉक्स से बाहर आ गई है ना। तो गॉड हम्स हैड केप्ट देम ट्रैप इन हिज बॉक्स बट नाउ दे वर फ्री टू अफ्लेक्टेड द वर्ल्ड, लेकिन जो हम्स थे गॉड थे उन्होंने इस दुख दर्द को उस बॉक्स में बंद कर रखा था लेकिन इन लोगों ने अब उसको क्या किया फ्री कर दिया, यानी कि एक दुख दर्द अब वर्ल्ड में आ गया था जिसे लोग नहीं जानते थे कि दुख दर्द होता क्या है, जो खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रहे थे अब उनके ज़िंदगी में क्या आने लगे दुख दर्द एंग्री गुस्सा सफरिंग ये सारी चीज़ें। पंडोरा स्लैम्ड द लेड शट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, सी फेल्ट पेन एंड सोरो, एपिमेथियस टू हैड अ न्यू फीलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, ही वॉज इन बैड टेम्पर, और उसने क्या किया उसको तो बंद तो कर दिया जल्द से लेकिन ये सब उसकी लाइफ में पहली बार ये सब चीज़ें हुआ, उसने पहली बार दोनों ने क्या फील किया था दर्द को सोरो को ये सारी चीज़ें, ये उनके लिए नया नया था नई फीलिंग्स थी क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस तरह की चीज़ें देखी नहीं थी। अब उनके अंदर ये बहुत तूफान वाला दिन आ गया एक तरह से। यू शुड नॉट हैव ओपन द बॉक्स ही शाउटेड, अब वो गुस्से में कहता है पंडोरा को कि तुमको ये नहीं करना चाहिए तुमको बॉक्स नहीं खोलना चाहिए था। डोंट शाउटेड एट मी क्राइड पंडोरा, आई एम श्योर यू योर सेल्फ वुड हैव ओपन इट इफ आई हैड नॉट, लेकिन पंडोरा क्या जवाब देती है कि मुझ पर चिल्लाओ मत मुझे पता था कि अगर मैं ना खोलती तो तुम इसको खोल के देखना चाहते थे ऐसा उसने बोला। द हस्बैंड एंड वाइफ बिगैन टू शाउटेड एंड क्वारल, अब उन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो गया वहाँ से। आउटसाइड देयर हाउस दे हियर नॉइजेज दे हैड नेवर हियर्ड बिफोर, अब घर के बाहर भी उनकी आवाज़ें झगड़ा करने की ये सब चीज़ें बाहर जाने लगी सब जानने लगे जो कभी इन्होंने सुना नहीं था पड़ोसियों ने, अब यहाँ से उनका पड़ोसी भी जाने लगे कि दोनों में खूब झगड़े हो रहे हैं। अदर पीपल वर ऑल्सो स्क्वायरलिंग, और जो दूसरे लोग थे वो लोग भी आपस में झगड़ा शुरू कर दिए उनमें भी झगड़ा होने लगा। ओ व्हाट
हैव आई डन, सेड पंडोरस इन टीयर। अब पंडोरा अपने आप में कहती है, रोने रोने भी लगती है, मतलब रोती है और कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया है ना, क्या किया। देन सी हियर्ड अ स्वीट लिटल वॉइस कॉलिंग हर नेम। फिर तभी एक आवाज़ आती है, बहुत ही स्वीट आवाज़ होती है और उसका नाम लेके बुलाती है। द वॉइस सीम टू कम फ्रॉम इन साइड द बॉक्स। और वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, ऐसा लग रहा जैसे इसी बॉक्स से आवाज़ आ रही है। लेट मी आउट, कॉल द वॉइस, आई कैन हेल्प यू। और कहते मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पंडोरस हेजिटेटेड बट देन सी ओपन द बॉक्स अगेन, आउट फ्लो अ ब्यूटीफुल वाइट क्रिएचर विद सिल्वर विंग्स। अब पंडोरा तो हेजिटेशन में होती है, अंदर अंदर सोचती है कि मैं इसको खोलूँ या ना खोलूँ, बट देन सी ओपन। फिर लेकिन उसको दोबारा से उस बॉक्स को पंडोरा ने खोला, आउट फ्लो ब्यूटीफुल, वहाँ से एक बहुत सुंदर सी जीव आई और उसके जो विंग्स थे सिल्वर के बने थे, है ना, सिल्वर यानी कि वाइट कलर के विंग्स थे और बहुत खूबसूरत क्रिएचर बाहर आ गई। हु आर यू, आस्क पंडोरा। तो पंडोरा कहती कि आप कौन हो। आई एम होप, वो कहती कि मैं होप हूँ, मैं आशा हूँ। द फेयरी ऑफ होप, द फेयरी ऑफ होप हूँ, उसका नाम था फेयरी यानी कि परी थी, आशा की परी। सेड द क्रिएचर, उस क्रिएचर ने अपना नाम बताया। आई कैन हेल्प यू एंड ऑल अदर इन द वर्ल्ड टू बियर द सोरो यू हैव जस्ट लेट आउट। बोलते कि मैं तुम सबकी हेल्प कर दूंगी, तुम्हारी भी है, जो लोग दुनिया में इस परेशानी को जूझ रहे हैं उन सबको, बस मुझे बाहर जाना है। द फेयरी ऑफ होप हील ऑल द हार्ट ऑफ पंडोरस एंड एपीमेथियस। और उसने जब बाहर आई तो उसने फेयर किसके, जो पंडोरा थी उसके हस्बैंड दोनों के जो घाव थे, जो प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व कर देती है। देन सी वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू डू द सेम फॉर ऑल मैनकाइंड। फिर इसी तरह से उसने वो बाहर जाती है और सभी जितने दुख में पड़े होते हैं उन सबके दुख दूर करने के लिए है जाती है और सबका दुख दूर करती है इसी तरह से। तो ये थी पंडोरा, इस नेक्स्ट टाइम आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, तो आप इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।